मात पिता कुछ मेरी के गर का शीस झुकाई बाड़ी बरन से प्रथम बोलिसिया तिरा एजी भगवन मोई न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे हमको ना तो जहर वीर सुमी रन करूं अरे मेरे बाबा जहर वीर सुमी रन करूं अरे मेरे बाबा कोई राखो सब में मेरो मान दी अरे बाछल के हो तुम लाड़ी ले अरे हितकारी कोई राखो सब में मेरो मान अरे शेर ददर उपस्थित हमारे सभी बहन भाई व सभी बुजुर्ग सीता सावित्री अनसुईया जैसी हमारी माता एवं बहने तो आइए हम आप लोगों के समक्ष जो केवट संवाद की जो कथा लेकर चल रहे हैं आइए जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया उसके बाद मंत्री सुमंस को साथ लेकर भगवान श्री राम आगे को जब चलने लगे हैं तब श्री राम लखन सीता मैया और अज्ञापित में श्री धारी है
वापस किया है वहां से भगवान श्री राम ने कहा भैया हमें तो पन में जाना ही है रथ लेकर सुमंत्र मंत्री अयोध्या के लिए वापस हुए उस समय मुड़ मुड़ के देखते हुए अशोक आगे को बढ़ाते जाते थे मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से यश बहाते थे भाइयों सुमंत मंत्री को वहां से वापस किया है भगवान श्री राम ने और अपने भाई अर्थात सीता को साथ लेकर के आगे बढ़े हैं और इधर मंत्री सुमंत तो मन में अति हैरान हुई लौटे अपने धाम उत के बट के पास मैं पहुंच गए श्री राम गंगा को पार करने हेतु के बट के पास चले गए तो तुलसीदास ने ये लिखा कि मांगी नाव भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव के बट आना और कहिए तुम्हार मरम मही जाना तुलसीदास ने ये लिखा कि मांगी ना बुन यहाँ पर दो अर्थ हैं सीखे कि मांगी ना बुन के बट आना यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी कि मांगी नाव नाव नहीं मांगी और केवट आना केवट आ गया और कही तो महर मर्म मही जाना यानी नाव मांग नहीं पाई उससे पहले केवट आ गया दूसरा अर्थ यह है कि मांगी नाव नाव नहीं मांगी श्री राम ने कि मांगी नाव और न केवट आना कही तुम्हार मर्म मही जाना नाव तो भगवान श्री राम ने नहीं मांगी तो केवट आ गया लेकिन बात उसमें ये भी थी कि मांगी नाव न केवट आना यानी नाग मांगी केवट नहीं आया और कही तुम्हार मर्म मही जाना यानी नाब मांगी के बट नहीं आया और कहने लगा महाराज हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते हैं लेकिन सांची ये है पापा जी अब हम तुम्हें साथ ही साथ ये भी बता दें कि केवट कौन था केवट जो था कि सतयुग में केवट कछुआ था जो शीर सिंधु में रहता तो मैं रहता
वहां बना बनी। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, चलाए सोच समझ कर वो हम चरण छुएंगे श्री हरि के। भगवान सो रहे थे लेकिन कछुआ जब शेषनाग के ऊपर चढ़ने लगा, पर कछुआ था नहीं पहुंच सका। उन श्री हरि के हाय चरणों तक मारी फुसकार गिरा, कछुआ नहीं पहुंच सका। कछुआ जिस समय चढ़ने लगा शेषनाग के ऊपर भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए, लेकिन शेषनाग ने तब तक फुसकार मार दी, कछुआ नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भरने लगा शेषनाग की फुसकार से, कछुआ मन ही मन में सोचने लगा के मन की मेरे मन में रही और छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। जब ये कहा कि हम तुम्हारे मन को जानते हैं कि मांगी ना बुन केवट आना, कहिए तो महर मन में जाना। जब केवट ने ये कहा कि हम तुम्हारे
मर्मक को जानते हैं, बहुत दिन पहले से जानते हैं। तो राम ने लक्ष्मण से कही, भैया लक्ष्मण, ये केवट क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं? अरे हमारे मर्म को तो आज दिन तक काहू न जान पाए। तो राम ने जवाब दिया, भैया लक्ष्मण, कि माँ को सल्या मरम निभाका और जिनना मास गर्भ मेरा कौशल्या मैया ने न दशरथ पिता ने अरे जनक ने भी नहीं जाना। जो केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। कैसे जानते हो? तो केवट बोला, महाराज कान खोल कर सुन लो, पहले एक बात सुन लो, हम नाप पर चढ़ने ना दिए। क्यों? बात यह है ना के पहले तुम्हारे पाई धोवे हैं और बाद में मेरे कंधा बैठे हैं, ताके बाद ना भूले जाए हैं। और जो तो बजा में करो बहाना तो मांगी ना बुन के बटे आना। यानी पहले हम तुम्हारे पैर धोएं, उसके बाद हम तुमको नाप पर चढ़ने देंगे। एक बात समझ में नहीं आई भैया कि तुम हमारे पैर क्यों धोगे? तो केवट बोला है, महाराज के सुनता हूं मैं ये जादू है और राजा जी के पति बन के जुमे आती है इस जीवन मूल के लगते ही।
हैं महाराज कि गौतम ऋषि की अहिल्या तारी और छुवत शिला वो बन गई नारी और जो है काठ की नाव हमारी और जो कौ नाव से बन गई नारी तो आफत में जानी हमारी। के बट ने कहा महाराज तुम्हारे चरणों की धूल ऐसी है जिस किसी के मुंह पर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है। इस बात की हमें शंका है, बहुत बड़ी शंका है, इसलिए हम पैर धोएंगे जरूर मगर पैर धोए आपको चढ़ने नहीं देंगे। याद रखना इतनी बात कहवे के बाद में केवट जो हतो वो कम खोए गो। याद रखना केवट मन में सोचने लगा राम से तो बात करवो बंद कर दे और केवट मन ही मन में सोचने लगा कि परमात्मा काजे वही राम ही वही विष्णु की अवतारी है जो बल के द्वार पर गए थे जो तीन कदम में तीन लोगों को नाप लिया। सोचने लगा केवट मन ही मन में कि क्या ये वही विष्णु अवतारी। सोचने लगा केवट कि क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बल के द्वारे पे आए और तीन कदम पृथ्वी नापन को हरने चरण के
विचार करने लगा, अगर ये वे विष्णु के अवतारी हैं जो तीन कदम में तीनों लोक नाप लिए, और जब गंगा जी कितनी चौड़ी हती, फिर सोची अकेले होते तो उतरू जाते, अब सीता जी संग में है, लक्ष्मण साथ में है। अब मुश्किल इस बात की है अगर सीता जी को पार उतारे तो कैसे उतारे। फिर बाने अपने मन में एक बात और सोची कि बटने कि सीता को गोदी ले लेते, अगर जावर से कदम बार धरते, सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की बोझा गही लेते, अरे श्री गंगा को पार कर जाते, गाय को हमसे नाग मंगाते, गाय को हमसे अब के बट ने मन में सोचा, कहा कुछ नहीं सोचने लगा, अगर सीता जी मतलब और है ना कमर तक जल हो तो वहां स्त्री को जाना नहीं चाहिए कि क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण की कलाई पकड़ लेते, गंगा से पार हो जाते, नाव क्यों मंगवाते व्यर्थ में हमसे। फिर मन में एक बात और सोची के बट नहीं, अब सीता को गोदी कैसे ले लेते, लक्ष्मण की कलाई कैसे पकड़ लेते, क्यों बात यह है ना कि जल से सोचने लगा, अब सीता को गोदी कैसे ले लेते, लेकिन नीचे वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूर्य देख रहा है, भला ऐसे में लाज कौन त्याग देगा, कौन अपनी अर्धांगनी को गोद लेगा, इसलिए इन्होंने नाम मंगवाई है। फिर एक बात और थी भैया संजय, ये नाव क्या थी, नाव का भी उद्धार होना था। नाव क्या थी, केवट तो कछुआ था पूर्व जन्म में, और नाव क्या थी, केवट को पता था यह नाव जो है चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है। उसमें बात यह थी, केवट ने सोचा कि जो तरवे को है नाव हो नाव जो चित्रकेतु गंधर्व की, I'm not afraid to die.
को पार तो बस कर जाते, सीता को गोदी लेके निकल जाते, लेकिन इस नाव का भी उद्धार होना है भाइयों। साथ ही साथ ये भी बताते चले, ये नाव जो थी चित्र के तो गंधर्व के थी। आप बड़े भ्रम में होंगे, देखो ये चित्र के तो गंधर्व जो था बड़ा ही गाने बजाने वाला था, लेकिन था चित्र के तो गंधर्व एक जो गाय करके समय बिताता था। बड़ा ही गाने बजाने वाला था, लेकिन एक बार महात्मा ने इसे श्राप दिया, उसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा। गंधर्व देह से आवे मानी, तू एक वृक्ष हो दिया। और ये कहा चित्र के तुझे अपने ऊपर अभिमान है, घमंड है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक वृक्ष बन जाए। और जब ये कहा वृक्ष बन जाएगा, चित्र के तो रोने लगा और कहने लगा कि महाराज जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा भला मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा ने कहा उद्धार उद्धार तुम्हारा तब होगा के बट चित्रकेत कितने तयुग में के बट तेरे ब्रज को कटे हैं। Bye.
जाओ मटका पता से आइए भक्तों कथा की तरफ। अब तो भाइयों के भट्ट ने समझ लिया नाभ का भी उद्धार होना है। सन्यासी ने ये कहा था कि भट्ट तेरे वृक्ष को कटवाने के बाद में नाभ बनवाएगा। जब भगवान श्री राम अर्धांगनी सीता को लेकर तेरे ऊपर से निकल के जाएंगे उसी समय नाभ में बैठकर तब तेरा कल्याण होगा। केबट जब इन बातों में खो गया तो राम पूछने लगे, केबट कहाँ खोएगा, क्या सोच रहे हो? तो खड़े ही केबट पास में तब कहीं राम समझाए, कहाँ ध्यान तेरो गयो मोए दीजो पार लगा। याद रखना भगवान श्री राम ने कहा है केवट, अरे कहाँ खो गया, हमें बहुत दूर जाना है क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद हम राज्य को छोड़ करके वनवास के लिए चले हैं, हमें गंगा से इस पार उतार दो। केवट बोला, हरगिज नहीं। याद रखना केवट कहने लगा, चाहे कुछ भी करो बिना पैर धोए हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। अब मुश्किल इस बात की है कि तुम्हारे चरणों की धूल जिसके ऊपर पड़ जाती है वो तुरंत स्त्री बन जाती है। मुख्य बात केवल एक है कि जो केबट, अरे पागल होएगो का, अरे नाब से कम औरत ना बन जाती, नाब से औरत ना बनती है, तुम काय को आधी ना हमें पार उतारो। तो जवाब दिया महाराज कि छुआत सिला बैना औरत बन सकती है,
तो काट से औरत बहुत जल्दी बनेगी, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। तो राम ने एक बात कही, केवट भैया देखो, पहली बात तो यह है कि नाव से औरत नहीं बनती है, और औरत अगर बनी हुई तो भला कौन सी तकलीफ है। हाँ, अगर नाव से औरत बन गई तो पहले नारी ये नहीं बने, और बन जाए तो क्या है कई महाराज कि जो बनी नाब से नारी यदि तो आपत्ति सब कट जाएगी। विशाल के
जाएगा। महाराज, तुम जो कह रहे हो कि दो औरत हो गई, एक पाव दबावे एक मुड़ दबावे, लेकिन हाँ पाँ एक दबावे तो दूसरी मुड़ ना दबावे, गलो दबावे तो ताश दो औरत बन को कबू चैन से रोटी ना मिली। राम बोले को बात बताओ के बट दो औरत बन को कौन से दुखी हो गए, सो तुम दुखी हो जाइयो। के बट ने कही महाराज हम एक ना दस बीस बता दे गए कि दो औरत बन को कबू रोटी ना मिली। हाँ राम ने कही जी कहे ऐसो करो तुम दस बीस ना हमें दो ही बता दे, दो औरत बन के घर में किन को रोटी ना मिली। तो के बट ने कही महाराज ध्यान दो मेरी तरफ, हम बता दे दो औरत बन को किन को रोटी ना मिली कि उत्तानुपात की दुई सुना होगा उनके बारे में, कब हम कल कुशल उन्हें रोटी ना मिली। राम बोले हाँ जी बात तो हम मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई प्रमाण है? तो केवट बोलो महाराज बुरा न मानो तो कहीं, बोलो महाराज तो क्या नहीं लगा है कि कहते राम मोए लगे भारी और तुम्हारी उन्नत तीन बोला मानना मत प्रभु मेरी बात को। कहते राम में डर लगे भारी तुम्हारी उन्नत तीन सोचो एक दुर्ब पन पास पठाए एक राजा आओ। और किन की कहे अगर तुम्हारे घर में सौकिया नाहर ना होते तो राज्य को छोड़कर बनवास नहीं जाते। इतनी बात जब सुनी सुन के बट के बचन को लखन गए खुशियाए तो रामचंद्र कहने लगे सुन के बट चितला। ऐसो करो के बट अब हम समझ गए तुम बिगर पैर धोए जाने नहीं दोगे, तासे ऐसो करो जाओ पानी ले आओ पैर हमारे धो के बट कि रामचंद्र
यात्रा। आज जैसे ही इस वंश की बात जब राम के पैर हते ना बे, फिर वे चलत कैसे हसे, वो राम के पैर नहीं थे, पर वन पहुंच कैसे गए। बात जे थी राम के पैर हते लेकिन राम के पैर नहीं थे। कारण था ये, राम की जब शादी हुई थी तो उससे पहले पैरों की सेवा लक्ष्मण किया करते थे, और शादी होने के बाद जब सीता घर आई हैं तो सीता राम की सेवा करने के लिए पहुंच गई, तो लक्ष्मण कहने लगे बस भाभी हमसे यही नहीं होगा, राम के चरणों की सेवा हम करेंगे। याद रखना विवाद बढ़ता चला गया, फैसला अदालत में पहुंच गया, कहाँ, गुरु वशिष्ठ जी के पास। और जब वशिष्ठ जी के पास पहुंच गया तो वशिष्ठ ने फैसला किया कि देखो एक पैर की सेवा सीता करेंगी और दूसरे पैर की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो एक पैर लक्ष्मण का था और एक सीता का था, राम के पैर नहीं थे। भाइयों याद रखना, आज जैसे ही भगवान राम कहने लगे भैया अब तुझे जैसा देखे वैसा कर, तो केवट चला कठौता में पानी भर लाओ। कठौता में पानी भर के जब लाओ, कठौती में क्यों नहीं लाया, कठौती में इसलिए नहीं लाया कि चरणों की अगर धूल पड़ गई तो लड़की जब बनेगी तब अभियान करना पड़े हो, और लड़का बनेगा तो सब देख ले जाइए। याद रखना जब केवट कठौता में पानी लेकर के आया, याद रखना प्रभु राम के चरण धोने लगा तो भाइयों तुलसीदास ने ये बताया कि जास नाम सुमित एक बारा और उतने नरो भवु सिंधु ये पारा। प्रभु का नाम एक बार स्मरण करने से संसार से आना जाना छूट जाता है। सोई कृपाल के बट जे जग की योग्यों पद आज केवट के नहीं हो ले कर रहे, तो केवट कठौता में पानी लाया और पानी लाने के बाद भैया लिखा तो ये देखा के हाजिर थे एक कठौता में हाँ।
दृष्ट में नहीं आते, सौभाग्य है उसके बट का जो भगवान श्री राम के पैर धो रहा है। ऐसा ही नहीं, राघव तो करे भगवान श्री राम के चरण धोने लगा कठौता में पानी करने के बाद। अब उसे यही ध्यान नहीं रहा, अब हमें कितनी देर हो गई, कितनी ना देर हो गई। तो प्रभु बोले, समझो जरा समय हो रहा नष्ट। के बट एक पैर पर हम खड़े, इसका भी है कष्ट, इसलिए बहुत जल्दी करो, हमें वन में पहुंचना है पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद हम राज्य को छोड़ करके जंगल की ओर को बढ़े हैं। इसलिए भैया के बट इस प्रकार जब कर चुका और नाव का निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। चरण धोने के बाद और सब अपने परिवारी जनों को बुलाकर चरण प्रत लिया है। केवट ने अपना उद्धार किया, जिन चरणों की चाहत में, जिन चरणों के दर्शन करने के लिए, जिन चरणों को छूने के लिए अरे प्राणी हर समय तपस्या किया करता है, भगवान का भजन कीर्तन गुणगान किया करता है, आज वही चरण सौभाग्य से केवट का जो भगवान श्री राम के चरण धोने के बाद सबने चरण पत लिया, उसके बाद नाव पर सवार किया। भगवान श्री राम से सप्तारी लक्ष्मण अर्धांगिनी सीता को और नाव पर सवार करने के बाद जब केवट चला, धीरे धीरे कुछ गुड़गुड़ान करता हुआ और कुछ कहता हुआ चला कि मेरी नैया में बैठे श्री राम के गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में बैठे मेरी नैया में बैठे कर तार के गंगा मैया धीरे बहो जी मेरी पवित्र
उसी समय वह गंगा ने भी दर्शन करने चाहे प्रभु राम के। तो मेरी नैया में बैठे भगवान के गंगा मैया तेरी बहन, मेरी नैया आ केवट कहता हुआ जा रहा है। उसी समय अब गंगा ने भी दर्शन करने चाहे प्रभु श्री राम के। तो जी भर कर दर्शन करने को प्रभु श्री राम के, जी भर कर दर्शन करने को और धारा ठहराई गंगा न, भगवान चढ़े तो माथे पर बैनाव उठाई गंगा। देखो ना भैया विशाल, नाव नाव की क्या किस्मत थी, गंगा पर था केवट। भगवान श्री राम को पार उतारने के लिए जब चला है, गंगा भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए ठहर जाती है। भाइयों अब गंगा अकेली नहीं, कभी ने तो ये लिखा कि सूर्य दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के जिस समय ऊपर को चढ़ जाता है, लेकिन सूर्य से पहले बादल, बादल भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे, तब सूर्य ने बादलों से कहा के, तब सूर्य ने कहा बादलों से, और ये छवि हमको भी नहीं रखेंगे। Thank you.
गई दोनों में रार बढ़ गई पापा जी। और जब रार बढ़ गई केवट जो था बड़ा ही खुश है। उधर उधर चतुर मल्ला की पूरी बही मल्ला जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। नाव जब गंगा जी के पार पहुंची है तो केवट ने दोनों हाथ जोड़कर विदा मांगी और कहा कि महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम चल रहे हैं। तो केवट के जाते हुए देखकर अब राम के हृदय में एक भावना बनी कि केवट को हम उत्तराई में क्या दें, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बन की ओर जा रहे हैं उसी समय कि पिया ही है कि सिया जा ननिहारी को समझने वाली सीता, उन्होंने समझ लिया कि राम के हृदय में भावना है कि बट को उतराई में क्या दे। तुम्हारी मुदरी मन मुदती उतारी, हाथ में से अंगूठी को उतार करके राम को दे दी। राम ने केवट को दिया का भैया अपने उतराई ले लो। तो केवट कह लगा प्रभु माफ करना, मल्ला अल्लाह से कभी उतराई ना लेते, हम कैसे उतराई ले लें। लक्ष्मण सोचने लगे जो कौन सी गंगा जी पर नाव चलते हैं। तो केवट कहने लगा शंका ना करो लक्ष्मण। कहने लगा प्रभु हम जब आपके दरबार में आए तो आप हमसे कुछ मत लेना, हमें पार लगा देना, और अगर उतराई देनी हो तो अभी नहीं 14 साल के बाद वनवास से होकर के और वनवास से घर की ओर जाए, तब आपकी मर्जी हो वो हमें दे के चले जाना। अब केवट ने दोबारा फिर बुलाने का इंतजाम कर लिया। इस तरह से भक्तों भगवान श्री राम केवट का उद्धार करने के बाद अर्धांगिनी सीता और लक्ष्मण को लेकर के चित्रकूट में बढ़ते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भाई बहन ताली बजाकर भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े प्रेम से। के मेरी दहरी पे पाँव धरी जइयो रे समरिया मोए भूली मत जइए।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा, मोबाइल नंबर 9719111456।